जम्मू कश्मीर में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को लेकर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हुर्रियत नेताओं पर जमकर निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने दिखा दिया कि उनका जमहूरियत इंसानियत और कश्मीरियत में भरोसा नहीं है। हुर्रियत ने जो किया इंसानियत नहीं है। बातचीत के लिए हमारे दरवाजे ही नहीं बल्कि रोशनदान भी खुले हुए हैं। सभी चाहते हैं कि कश्मीर के हालात बदले। विश्वास है कि हालात बदलेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि घाटी में शांति के लिए वो राज्य सरकार के साथ हर तरीके से खड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। गृह मंत्री ने बताया कि प्रदर्शनकारियों पर अब पैलेट गन की जगह पावा शेल का इस्तेमाल होगा। उन्होंने कहा कि कश्मीरी छात्रों की समस्याओं के लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसे डॉक्टर संजय राय हेड कर रहे हैं। आपको बता दें कि कल प्रतिनिधि मंडल में शामिल शरद यादव, सीताराम येचुरी समेत 5 नेताओं ने हुर्रियत से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही। सभी नेता सैयद अली शाह गिलानी से मिलने उनके घर गए थे, लेकिन उन्हें वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। हुर्रियत नेताओं ने बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया है। एक तरफ जहां केंद्र और विपक्षी दल कश्मीर में शांति बहाली में जुटे हैं, तो वहीं हुर्रियत नेताओं को शायद यह अमन की राह पसंद ही नहीं। देखते रहिए टीवी लाइव।